हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आकाश छाबड़िया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक रिकवरी के बारे में। स्ट्रोक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और स्ट्रोक रिकवरी में कितना टाइम लगता है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिसको भी स्ट्रोक के लक्षण दिखने लग जाएं, उसको तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए जहाँ पे सीटी स्कैनर हो, एमआरआई हो और एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, ताकि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट। वैसे तो फ्रेंड्स, स्ट्रोक रिकवरी में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। यदि अगर कम डैमेज हुआ है तो पहले 1 महीने में ही पेशेंट अच्छा रिकवर कर जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी मरीज को अगवे लगने के 4 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसको ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कौन सा स्ट्रोक हुआ है हमारे मरीज को, इश्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इश्कीमिक स्ट्रोक थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है और हेमरेजिक स्ट्रोक ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे मरीज का ब्रेन कितना परसेंटेज डैमेज हो चुका है, अगर ज्यादा परसेंटेज डैमेज हुआ है तो ज्यादा समय लगेगा रिकवर होने में। अगर कोई मरीज पहले से ही बीपी और शुगर से बीमार है तो उसको रिकवर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। यदि पेशेंट को लगवा लगने के बाद भी अल्कोहल और स्मोकिंग करने की आदत है, वो नहीं छूट रही है, तो भी हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूंगा जिसको अपनाने से हमारे पेशेंट की रिकवरी फास्ट होगी। सबसे पहला पॉइंट होता है, कोई अगर संक्रमित व्यक्ति हमारे पेशेंट से मिलना चाह रहा है तो उसे कम से कम मिलने दिया जाए, तो उसे इन्फेक्शन वाले एरिया से दूर किया जाए। हमारे पेशेंट के आसपास हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे हमारे पेशेंट, किसी भी दिन को एक्सरसाइज में गैप नहीं करना है। गुड डाइट लेते रहें, गुड न्यूट्रिशन लेते रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, शेड्यूल अपना मेंटेन करके रखें, डिसिप्लिन में रहें, जितने बजे सोना है उतने बजे ही सोएं, जितने बजे उठते हैं उतने बजे ही उठें, अपने टाइम को अपने रूटीन को बिल्कुल भी चेंज ना करें। अच्छी स्लीप लेना, बहुत अच्छी नींद करना, कम से कम 8 से 9 घंटा तो पेशेंट को सोना ही है। जितना ज्यादा पेशेंट सोशलाइज होगा, लोगों से मिलेगा, उतना जल्दी पेशेंट रिकवर करेगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचे। थैंक यू सो मच।